अब खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां कोरोना वायरस को लेकर खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक ली। बैठक में विधायक ने जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं विधायक ने एवन टीवी से खास बातचीत करते हुए आमजन से अपने ही घरों में रहने की यहां पर अपील भी की। विधायक गोविंद राम मेघवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र जेलू ने। के संक्रमण से बचने को लेकर जहां पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहां खाजूवाला में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। खाजूवाला क्षेत्र के अंदर लॉकडाउन का जहां असर है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद हैं। पुलिस यहां पे लगातार नाकाबंद करी है, बाहर से आने जाने वाले साधनों को रोका जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय विधायक गोविंद राम मेघवाल आज क्षेत्र के लोगों को जागरूकता भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि घरों में रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। इस कोरोना जैसी महामारी की चेन को तोड़ने के लिए हमें घरों में रहना आवश्यक है। आज हमारे साथ हैं खाजूवाला विधायक गोविंद राम जी। सर, आज आप खाजूवाला पहुंचे हैं, क्षेत्र के लोगों को किस तरीके की हिदायत दे रहे हैं, क्या जागरूक कर रहे हैं? देखिए, जो कोरोना वायरस है पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में उभरा है, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बीकानेर जिले में आज की तारीख में एक भी कोरोना का रोगी नहीं है। मैं इसके लिए विशेषकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी मुस्तैदी के कारण आज हम बीकानेर हमारा सुरक्षित है। लेकिन इस जो लॉकडाउन है, ये जो हमारा, इसके अंदर आपको ये मानना पड़ेगा कि जनता का भी पूरा सहयोग है, क्योंकि जनता जो है वो बिल्कुल इसके अंदर मुस्तैद है, अपने अपने घरों में है। लेकिन जो लोग बिना काम के सड़कों पे आ रहे हैं, मैं उनके बारे में भी कहना चाहूंगा कि इस पर प्रशासन ध्यान दें, क्योंकि ये महामारी बहुत खतरनाक है। अगर किसी रूप में एक भी व्यक्ति कोई बाहर से आ गया और अगर हमने उससे हाथ भी मिला लिया तो ये बीमारी बड़ा रूप ले सकती है। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है कि खाजूवाला क्षेत्र में आया हूं, कल मैं पूगल था मेरे क्षेत्र में, हमने वहां 1-to-1 अधिकारियों से भी उस पूरे आचरण का वो मतलब उपयोग करते हुए कि हमें उनको बराबर की दूरी बना के रखते हैं, और जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जो केंद्र सरकार ने घोषणा की है लॉकडाउन की, सारी चीजों को पालना करते हुए हम लोग मर्यादा में रहते हुए हम पूरा वाच कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक को भी नहीं लगे कि जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्लान बनाया है कि प्रत्येक जो SDM कार्यालय वहां 500-500 खाने के पैकेट बना के रख रखे हैं। सरकार की तरफ से गेहूं, तेल, दाल, लून, मिर्च, धनिया की पैकेट भी आज से चालू कर दिए हैं। इसके लिए हम भी तैयार है कि विधायक कोटे से अगर हमें मान लो 10-15 लाख देने भी पड़े तो भी हम उसके लिए मुस्तैद हैं। और जो हमारे बाबा साहब हैं वो भी तैयार है। आज मेरी जिला कलेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अपना सबका गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि अभी आप हॉस्पिटलों में बहुत भीड़ कर रहे हैं, सब्जी मंडी में भीड़ कर रहे हैं, अरे चाहे हमें लूखी रोटी खानी पड़े, चाहे हमें प्याज से खानी पड़े, हम तो वो लोग हैं रेगिस्तान के कि प्याज और रोटी खाकर के वर्ष। आज जिस तरह से डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, मीडिया वाले सेवा कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं, इसलिए मेरा सबसे आग्रह मेरे क्षेत्र के लोगों से कि आप अपने घर में लॉकडाउन रहें, और हमने हेल्पलाइन के नंबर दे रखे हैं, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप SDM कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, मेरे कार्यालय में फोन करके हमें सूचित करें, हम आपको जो आपकी खाद्य सामग्री की कहीं कमी होगी वहां पूर्ति करके और पूरा आपको सहयोग करेंगे। लेकिन आप लोग घरों से कम बाहर निकले और अपने घरों में सुरक्षित रहे। बिल्कुल, ये थे खाजूवाला क्षेत्रीय विधायक गोविंद राम मेघवाल। इनका स्पष्ट कहना है कि लोग घरों में रहकर इस कोरोना जैसी चेन को तोड़ा जा सकता है। इन्होंने यह भी कहा है कि सरकार जिस तरीके से यहाँ के गरीब लोगों को राहत दे रही है, तो किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है तो SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय व विधायक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। A1 TV के माध्यम से गोविंद राम ने अपील करते हुए लोगों से बार बार घरों में रहने की ही हिदायत दी जा रही है। A1 TV के लिए सुरेंद्र डेलू, खाजूवाला।